हम लोग को पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको इस आंसर की की पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें हम लिखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो स्टेक होल्डर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट वैल्यू रखती है। कंक्लूजन्स ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं कि नहीं, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब ये शेयर होल्डर्स को काम आती है, शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते हैं, डायरेक्टर्स पूरा संभालते हैं, तो अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि करेक्ट हैं और एज पर ए बने हुए हैं। ऑडिटर, ये लाइन जरूर लिखना करेक्ट कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ये जो पुलिस वाले नहीं कुत्ते लेकर घूमते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, उनको ब्लड हाउंड कहते हैं, करेक्ट। तो ऑडिटर वॉच डॉग है, मतलब ये देखता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, पर ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नहीं है, इंटेंशन से वो ऑडिट नहीं करता है। फिर दो केस को कोट करना, लंदन एंड जनरल बैंक केस और एलन क्रेग एंड कंपनी का केस, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स होने चाहिए हर सम में, हर आंसर में। डायरेक्टर्स, इसमें पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो एक्रोनॉम भी बताऊंगा कि वो कैसे इजीली लर्न करना है। डायरेक्टर्स के बारे में पॉलिसी मेकर्स होते हैं, डे टू डे काम नहीं देख सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बराबर काम कर रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा ऑडिट रिपोर्ट से। फिर क्रेडिटर्स जो हैं वो प्रोवाइडर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हैं, तो ये शब्द प्रोवाइडर ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। क्रेडिट अलाउड कितना करना चाहिए और कितना ड्यूरेशन करना चाहिए, वो सब ऑडिट रिपोर्ट से तय होता है, क्रेडिटर्स डिसाइड करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स क्या हैं, प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, तो ये शब्द प्रोवाइडर ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एश्योरेंस देता है ऑडिट रिपोर्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन, करेक्ट। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स यानी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट, वो साउंडनेस एंड लिक्विडिटी ऑफ कंपनी पर लाइक डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्ट करें या नहीं। 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट भी कभी कभी कोई देखता है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो थोड़ा बेटर रहता है। तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है, फ्रेमिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसीज, तो ये इंडस्ट्री पॉलिसीज के लिए हमारे को अगर ऑडिटेड फिगर्स होंगे फर्म्स के, कंपनीज के, तो इंडस्ट्री पॉलिसीज को फ्रेम करने में हमारे को मदद मिलती है, करेक्ट। और जो पब्लिक कंपनी है वो उनके डायरेक्टर्स जो हैं वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं पब्लिक का पैसा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑडिट रिपोर्ट हेल्प करता है। अब ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स हैं, मतलब ये होनी चाहिए। अब अपन आंसर फ्रेम करते हैं। अब आंसर देखो, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ग्रेट वैल्यू रखती है। इट इज अ समरी ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर व्हिच में क्रिएट अ फेवरेबल और एडवर्स इंप्रेशन, मतलब अगर क्लीन रिपोर्ट है तो फेवरेबल और अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो एडवर्स इंप्रेशन क्रिएट कर सकती है ऑन द रीडर्स ऑफ द अकाउंट्स। ऑडिट रिपोर्ट इज द कंक्लूजन अराइव्ड बाय द ऑडिटर आफ्टर एग्जामिनिंग अकाउंट्स ऑफ कंपनी इंडिकेटिंग वेदर इन हिज ओपिनियन अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड शो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने शब्द बोला था, स्टेट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू वेरियस स्टेक होल्डर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब इसका एक मस्त ट्रिक है लर्न करने का। सबसे पहले शेयर होल्डर बना डायरेक्टर, शेयर होल्डर बना डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर। क्रेडिटर बना डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर बना डायरेक्टर, क्रेडिटर बना डिबेंचर होल्डर। इन्वेस्टर ने की गवर्नमेंट को कंप्लेन, गवर्नमेंट ने मारी इनकम टैक्स रेट राइट। देखो, शेयर होल्डर बना डायरेक्टर, क्रेडिटर बना डिबेंचर होल्डर, इन्वेस्टर ने की गवर्नमेंट को कंप्लेन, गवर्नमेंट ने मारी इनकम टैक्स रेट। तो ये एक तरीका है इसके हेड पॉइंट्स को लर्न करने के लिए। मैं एक और बार बता रहा हूँ, शेयर होल्डर बना डायरेक्टर, क्रेडिटर बना डिबेंचर होल्डर, इन्वेस्टर ने की गवर्नमेंट को कंप्लेन, गवर्नमेंट ने मारी इनकम टैक्स रेट। अब ये एक एक्रोनॉम है, आंसर लर्न करने का तरीका है। हाँ, ये सब नहीं है इसमें कि शेयर होल्डर डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर बनता है, ये सब नहीं है। दिस इज अ ट्रिक, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। शेयर होल्डर बना डायरेक्टर, क्रेडिटर बना डिबेंचर होल्डर, इन्वेस्टर ने की गवर्नमेंट को कंप्लेन, गवर्नमेंट ने मारी इनकम टैक्स रेट। अब ये हेड पॉइंट्स लर्न करने का तरीका है। अब हेड पॉइंट्स लर्न हो गई। अब शेयर होल्डर्स को कैसे बेनिफिट होता है अपन आते हैं उस पर। शेयर होल्डर्स दो ओनर्स cannot directly participate in management of the company. Directors manage affairs of the company and present accounts before shareholders. मतलब डायरेक्टर्स अकाउंट्स मैनेज करते हैं और शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं। auditor who is appointed for the benefit of shareholders by shareholders. अब ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है पता है? फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के बाकी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयरहोल्डर्स जनरल मीटिंग में जब वो रिपोर्ट सबमिट करता है, व्हेन सबमिट्स ऑडिटेड रिपोर्ट कंक्लूड्स वेदर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर्स आर करेक्ट और नॉट एंड वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शब्द आ गया, करेक्ट अकाउंट्स करेक्ट है कि नहीं, राइट वो आ गया, तो ये शब्द होने चाहिए, ठीक है। एंड ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, अब ये मैंने बताया था, ये वर्ड तो लिखोगे यानी भाई जोरदार। An auditor is a watchdog and not a bloodhound. Auditor should exercise reasonable care and skill while auditing. तो ये audit report shareholder को कैसे मदद करती है वो हम बता रहे हैं। अब इसमें दो केस कोट करने हैं। In London and General Bank case, it was held that an auditor who does not report to shareholders the fact that the balance sheet is not properly drawn up is guilty of misconduct. Correct? अगर आप बैलेंस शीट प्रॉपर है कि नहीं वो आप नहीं बता पाए हैं शेयर होल्डर्स को, तो आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, मतलब आपको आता नहीं है ऑडिट, राइट, मिसकंडक्ट। अब दूसरा केस कोट करना है, एलन क्रेग एंड कंपनी लंदन लिमिटेड। इट वाज हेल्ड दैट द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सेंड साइंड ऑडिट रिपोर्ट विद बैलेंस शीट टू एवरी शेयर होल्डर। हर एक शेयर होल्डर को तो भेजेगा नहीं ना वो ऑडिट रिपोर्ट, वो उसकी ड्यूटी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी को भेज देगा साइंड ऑडिट रिपोर्ट या रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर को। किसको भेजेगा रिपोर्ट? कंपनी सेक्रेटरी को, करेक्ट, या रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी को रिपोर्ट भेजेगा। टू सी वेदर सच रिपोर्ट इज रेड बिफोर शेयरहोल्डर्स इन द जनरल मीटिंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, करेक्ट। तो वो ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है, करेक्ट, कि वो रिपोर्ट एक्चुअली रीड हुई है कि नहीं, राइट। चलो, एन ऑडिटर हैज not only to verify arithmetic accuracy of balance sheet but also to inquire about its substantial accuracy. अब मैंने बताया था substantial accuracy, ये true and fair views वाले आंसर में से आया है, true and correct होता था है ना सेक्शन 145 में, अब true and fair view है, करेक्ट। 1913 वाला एक्ट था जिसमें true and correct था, 1956 अभी 2013 वाले में हो गया है true and fair view। तो ये चीज याद रखनी है, ये भी एक अच्छी पॉइंट है। ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस शीट बट टू इंक्वायर अबाउट इट्स सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। तो ये शेयर होल्डर्स को बेनिफिट रखते हैं, जिसमें दो केसेस हैं। अब डायरेक्टर, शेयर होल्डर बना डायरेक्टर, अब डायरेक्टर को कैसे बेनिफिट करती है ऑडिट रिपोर्ट, हम वो पढ़ रहे हैं। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दो इंचार्ज ऑफ इट्स मैनेजमेंट आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर डे टू डे मैनेजमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड फॉर दिस। तो पता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, है कि नहीं, मतलब डायरेक्टर में से ही कोई बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। ऑडिट रिपोर्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट वर्किंग एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ऑडिटेड रिपोर्ट हमारे को ये दुरुस्त करता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और एम्प्लॉइज बराबर काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स भी खुश ऑडिट रिपोर्ट से। अब क्रेडिटर, ऑडिट रिपोर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द क्रेडिटर्स As they are providers of the working capital, मैंने बताया था ये शब्द होना चाहिए, providers of the working capital. Audit report ensures financial strength or weakness of the company on basis of which creditor decides period, कितने टाइम के लिए क्रेडिट देनी चाहिए, and quantum, तो पीरियड एंड क्वांटम डिसाइड करते हैं। भाई 30 दिन की क्रेडिट देनी चाहिए, 45 दिन की क्रेडिट देनी चाहिए, तो वो होता है पीरियड। क्वांटम 5 लाख की क्रेडिट देनी चाहिए कि 10 लाख की क्रेडिट देनी चाहिए, वो क्वांटम होता है। तो क्रेडिटर्स ये डिसाइड करते हैं कितना पीरियड के लिए क्रेडिट देना है और कितना क्वांटम, कितना अमाउंट ऑफ हमें क्रेडिट देना है, ये डिसाइड करते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर बना शेयर होल्डर, क्रेडिटर बना डिबेंचर होल्डर, है ना। डिबेंचर होल्डर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट एंश्योर्स साउंडनेस और अदरवाइज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट क्या इंडिकेट करती है? साउंडनेस ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटस यानी बैलेंस शीट। व्हिच हेल्प्स डिबेंचर होल्डर टू डिसाइड टेन्योर ऑफ लेंडिंग मनी, कितना टाइम के लिए वो डिबेंचर्स आपको दे, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रिस्की होगी ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, कम रिस्की होगा तो डिबेंचर होल्डर कम इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। तो डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल रिस्क, उसका फाइनेंशियल रिस्क कवर करके क्या रेट पर होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट होगी तो हमें पता चलेगा कि अकाउंट्स बराबर है, उस हिसाब से वो अपना लेंडिंग टेन्योर और लेंडिंग रेट डिसाइड करते डिबेंचर होल्डर। तो क्रेडिटर बना डिबेंचर होल्डर। अब इन्वेस्टर, Various financial institutions like banks and other investors dealing with the company are concerned with the financial soundness and liquidity of company. They study auditor's report and decide the safety and otherwise of their dealings with the company. Investor का पैसा कितना safe है, डील करना चाहिए कि नहीं कंपनी से, वो डिसाइड करता है. Many times investors study audit report of past 5 years. 5 साल की रिपोर्ट्स देखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. अब हम 1-2 लाख के शेयर लेने हैं तो हम नहीं देखते हैं 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट. पर अब सपोज कंपनी का 60% स्टेक लेना है, करेक्ट, तो हम ले कि ना लें, 40% स्टेक लेना है जो बड़ी बड़ी कंपनी टेक ओवर करती हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स देखते हैं, करेक्ट. हाई इंस्टीट्यूशनल नेटवर्थ इन्वेस्टर्स ये सब देखते हैं. डू डिसाइड वेदर और नॉट इट इज एडवांटेजेस टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, करेक्ट, सही है कि नहीं. चलो अब इन्वेस्टर ने की गवर्नमेंट को कंप्लेन, करेक्ट, तो गवर्नमेंट वो एक्रोनिम है याद करने के लिए है, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है. चलो, गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड अंडरटेक्स प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी बड़ा अच्छी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री करती है. गवर्नमेंट रिक्वायर्स ट्रू फिगर्स फॉर फ्रेमिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज. अब सच्चे फिगर्स होंगे तो पॉलिसी बराबर होगी, और सच्चे फिगर्स कहाँ से आते हैं, ऑडिट रिपोर्ट से आते हैं, correct. Government is also interested to see that the directors of any public company do not misuse the shareholders' funds. Audit report helps to that direction कि public company के funds misuse नहीं हो रहे हैं. ये भी audit report तय करती है, क्योंकि audit report में auditor जो है वो shareholder को address करता है, shareholders appoint करते हैं auditors को, है ना. अब income tax department, right? Income tax officers has to assess true taxable income of the company. For this, they have to go through accounts maintained by the company. If such accounts are audited by a qualified auditor, officer can rely on such accounts and can ascertain their correctness by going through audit report. So this was the last point. Just go through this, right? Last, मैं repeat करता हूँ. पहला था shareholder बना director, creditor बना debenture holder. इन्वेस्टर ने की गवर्नमेंट को कंप्लेन, गवर्नमेंट ने मारी इनकम टैक्स रेट. ये है एक्रोनिम टू लर्न द हेड पॉइंट्स ऑफ द आंसर, राइट. गुड लक.